राइट right. कंडेंसर किस आपको बताया था किस लिए यूज होता है कि एग्जॉस्ट स्टीम है टर्बाइन की उसको कंडेंसेट करने के लिए अब कंडेंसेट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कंडेंसर क्या है कंडेंसर इज ए हीट एक्सचेंजर वेयर कूलिंग वाटर इज यूज टू कंडेंस द एग्जॉस्ट स्टीम मैंने कहा कूलिंग वाटर इज यूज अब वो जो कूलिंग वाटर है ये कूलिंग वाटर हीट एब्बॉर्ब करेगा स्टीम की तो इट विल बिकम हॉट सो so, ये जो कूलिंग वाटर है इसको कूल cool करने के लिए हम यूज करते हैं कूलिंग टावर एंड कूलिंग पॉइंट्स राइट तो देखिए ये कूलिंग टावर है आपको मैं दोबारा से एक बार बता दूं ये टरबाइन था टरबाइन के एग्जॉस्ट सिस्टम को हमने कंडेंसर में कूल cool किया और ये कंडेंसेट यहाँ पर चला गया बॉयलर में ये एक वाटर का पाइप है जिससे हमने इसको कूल cool किया अब ये इनकमिंग एंड आउट अब ये जो वाटर है हॉट वाटर दिस इज हॉट वाटर इस हॉट वाटर को हम कूल cool करते हैं कूलिंग टावर की हेल्प से या कूलिंग पॉन्ड की हेल्प से कोई भी ऑप्शन हमारे पास हो सकता है सो कूलिंग टावर हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज कूलिंग टावर ए कूलिंग टावर इज ए डिवाइस दैट रिजेक्ट वेस्ट हीट टू एटमोसफियर थ्रू द कूलिंग ऑफ ए कूलेंट स्टीम यूजली ए वाटर स्टीम और ए लोअर टेम्परेचर स्टीम एंड इट कैन बी एयर ऑल्सो कूलिंग वाटर में क्या है हीट को रिजेक्ट किया है एटमोसफियर में सो so, जो हॉट वाटर आ रहा है हॉट वाटर की जो हीट है उसको एयर की हेल्प से हमने एटमोसफियर में रिजेक्ट किया ठीक है समटाइम हम वाटर भी यूज कर सकते हैं सो so, कितने टाइप से कूलिंग टावर है कूलिंग टावर दो टाइप के होते हैं नेचुरल एज वेल एज मैकेनिकल नेचुरल एज वेल एज मैकेनिकल मैकेनिकल कूलिंग टावर कैन बी ऑल्सो ऑफ टू टाइप फोर्स ड्राफ्ट एंड इंड्यूस ड्राइफ्ट समटाइम

लार्ज स्ट्रक्चर होता है ये अब देखिए इसमें एक बेसिन है वेयर कूलिंग वाटर इज अवेलेबल और यहाँ से एक पंप के थ्रू इस कूलिंग वाटर को हम सप्लाई कर सकते हैं बॉयलर में सॉरी कंडेंसर में इसको सप्लाई कर सकते हैं कंडेंसेशन पर्पज़ के लिए एग्जॉस सिस्टम को कंडेंस करने के लिए इसको कंडेंसर में सप्लाई कर सकते हैं राइट अब ये जो हॉट वाटर आ रहा है कंडेंसर से उस हॉट वाटर को यहाँ पर सप्लाई करते हैं पाइप के थ्रू एंड वेरियस नोजल्स आर हीयर सो नोजल से इसको हम क्रॉस करते हैं नोजल से क्रॉस करने का हमारा पर्पज़ क्या है कि जो हॉट वाटर है इट कन्वर्ट इन टू वेरी टिनी वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स तो जितनी ज़्यादा ड्रॉपलेट स्मॉल होंगी उतना एयर के साथ हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंज ज़्यादा होगा यहाँ पर आप देखिए ये डोर्स प्रोवाइड किए हुए हैं और यहाँ से कूलिंग एयर एयर यहाँ से सर्कुलेट होती है इट इज़ नेचुरल सर्कुलेशन सो कोई फैन नहीं यूज़ किया हुआ ये हाइपरबोलिक शेप और हाँ एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने का रीज़न यही है कि ये जो एयर है ये नेचुरल वे में सर्कुलेट होती रहे सो एयर इज मूविंग अपसाइड वाटर इज कमिंग डाउनवर्ड सो एयर एंड वाटर गेट मिक्सड यहाँ पर क्या होता है एयर जो होते हैं वो वाटर की हीट को ले लेती है एक्सचेंज करती है एंड इट गोज आउट ऑफ दिस कूलिंग टावर अब बहुत ज़्यादा वाटर इवेपोरेशन से लॉस ना हो इसलिए कुछ एलिमिनेटर्स और यू कैन से बैफल्स लगाए हुए होते हैं सो दीज एलिमिनेटर्स और बेफल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप द वाटर गोइंग विद द एयर सो इवेपोरेशन लॉसिस को कम करने के लिए ये एलिमिनेटर यहाँ पर हमने यूज किए हुए हैं सो इन द नेचुरल टावर नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर हॉट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर इज सप्लाई टू ट्रफ एंड नोजल्स विद द हेल्प ऑफ ए पंप एट अबाउट एट टेन मीटर फ्रॉम द बॉटम वाटर फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे and the air entering from the bottom rises upward and it take up the heat from falling water right some of the water during its fall is evaporated which is carried along by the heated water the cooled water is collected at the bottom of cooling tower and return to the condenser clear eh? it is the same as i told you right the circulation of air is natural due to density difference between heated air in the cooling tower and the surrounding air लाइक नेचुरल ड्राफ्ट इन चिमनी कूलिंग टावर आर मेड अप ऑफ इधर कंक्रीट और स्टील सो प्रेफरे प्रेफरेंस दी जाती है कंक्रीट को बट कंक्रीट में क्या होता है कंक्रीट <coughs> का वेट बहुत ज़्यादा होता है सो so, अगर मैं बात करता हूँ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की सो so, एडवांटेज है कि पावर सेविंग क्योंकि इसमें आपने कोई फैन यूज़ नहीं किया एयर की सप्लाई करने के लिए इज दीजिए नेचुरल फ्लो अगर नेचुरल फ्लो है कोई फ़ैन आपने यूज़ नहीं किया इट मीन्स यू आर सेविंग द इलेक्ट्रिसिटी और रनिंग कॉस्ट आप काफ़ी कम कर रहे हैं क्लियर सो दिस इज एडिशनल एडवांटेज और अगर मैं बात करता हूँ कि जो ये आप सेविंग कर रहे हैं इस सेविंग से कितने टाइम में क्योंकि इसको बनाना काफ़ी कॉस्टली होता है इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई राइट सो लगभग एट टू सिक्सटीन ईयर्स में इसकी ये अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेती है मीन्स इसका जो पे बैक पीरियड है इट इज बिटवीन एट टू सिक्सटीन ईयर डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज देर इज नो फैंस देर इज़ नो नॉइस इट इज सेफ इन ऑपरेशन इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो मेंटेनेंस कोई मेंटेनेंस ही नहीं है राइट बट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो so डिसएडवांटेज की सबसे बड़ी बात है कि वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट मीन्स जब इसको कूलिंग टावर को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लार्ज राइट दूसरा है कि इसकी जो डायमेंशन है इट इज़ ओवरऑल डायमेंशन आर वेरी लार्ज सो दैट वूड कॉज डिफिकल्टीज़ विद एरिया स्थेटिक एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज एरिया फॉर टावर इंस्टॉलेशन एंड इसके साथ साथ सॉयल कैपेसिटी आपको देखना पड़ेगा जहाँ पर आप टावर बना रहे हैं कूलिंग टावर बना रहे हैं वहाँ पर उसकी सॉयल की बेरिंग कैपेसिटी है या नहीं है सो so, टावर हर जगह नहीं बना सकते हैं सो so, इसके लिए आपको सुटेबल लैंड की रिक्वायरमेंट होती है इन्हीं प्रॉब्लम की वजह से कि स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है कूलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है राइट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है लैंड की अवेलेबिलिटी है इन इन ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स सम पीपल आर शिफ्टेड टू मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर रादर देन नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर अगर मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की बात करें तो हम यहाँ पर वर्ड आ गया मैकेनिकल इट मीन्स एयर सप्लाई जो है इट इज मैकेनिकल पहले में क्या था नेचुरल ड्राफ्ट सो एयर सप्लाई एयर सर्कुलेशन वॉज नेचुरल हियर द वर्ड इज मैकेनिकल यू कैन सी हियर द वर्ड इज मैकेनिकल सो हियर द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज थ्रू मैकेनिकल मीन्स मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर बट हियर एयर इज सर्कुलेटेड इनसाइड द टावर मैकेनिकली मीन्स इंस्टेड ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन मैकेनिकली कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं वी कैन यूज प्रोपेलर फैन न यूज सेंट्री फ्यूगल फैन सो कुछ भी यूज कर सकते हैं अब देखिए आपने फैन यूज किया यहाँ पर वेन एवर वी आर यूजिंग फैन इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द रनिंग कॉस्ट क्लियर है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की फिर जो उसके टाइप्स है हम उसको डिस्कस करेंगे राइट सो एडवांटेज की बात करते हैं फॉर द सेम कैपेसिटी मीन्स uh, एक पावर प्लांट है उसके लिए आप नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी लगा सकते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी लगा सकते हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर द सेम कैपेसिटी पावर प्लांट सो फॉर द सेम कैपेसिटी पावर प्लांट मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर आर वेरी मच स्मॉलर एज कंपेयर टू नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्यों क्यों बिकॉज नेचुरल ड्राफ्ट कलिंग टावर है सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन वाज नेचुरल हेयर वी आर यूजिंग प्रोपुलर फैन और सेंट्रिफिकल पंप सो फ्लो ऑफ एयर इज इन अवर हैंड वी कैन इजिली कंट्रोल द फ्लो ऑफ एयर आप फैन की स्पीड इंक्रीज कर दीजिए ज़्यादा एयर सर्कुलेट होगी फैन की स्पीड कम कर दीजिए एयर कम सर्कुलेट होगी दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कूलिंग कैपेसिटी ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द एयर बींग फोर्स बाय द फैन यस आप फैन यूज़ कर रहे हैं जितनी मर्जी चाहे एयर की स्पीड इंक्रीज कर दीजिए जितनी ज़्यादा एयर की स्पीड आप इंक्रीज करेंगे जितना ज़्यादा एयर का वॉल्यूम आप सप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी राइट कैपेसिटी कंट्रोल इज वेरी इजी एंड इजिली पॉसिबल इन दिस टावर बिकॉज यहाँ पर क्या है कैपेसिटी कंट्रोल के लिए आपको केवल फ़ैन की या ब्लोअर की स्पीड कम करनी है प्रीवियस केस में क्या था नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में वहाँ डोर्स लगाने लगाए हुए होते हैं सो so, अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको सारे डोर्स क्लोज करने पड़ेंगे क्लियर जितने डोर्स क्लोज करेंगे उतनी स्पीड कम हो जाएगी उतनी ईयर कम जाएगी हेयर ऑनली आपको केवल फ़ैन की या ब्लोअर की स्पीड को कम करना है केवल ठीक है

इसको बिल्डिंग के अंदर भी लगा सकते हैं ठीक है दीज आर द एडवांटेज अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं डिस रनिंग कॉस्ट इज़ मोर पहले क्या था आपको इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा थी लेकिन रनिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो बट हियर इनिशियल कॉस्ट इज लेस बट रनिंग कॉस्ट इज मोर इसके साथ साथ क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर यू आर यूजिंग ए फैन यू आर यूजिंग ए ब्लोअर सो मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ मोर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ फैन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मोटर मैंटेन कॉस्ट ऑफ वायरिंग एक्सेट्रा कंट्रोल पैनल सो जितने भी आपने इक्विपमेंट यूज़ किए जितने भी एस यूज यूज़ किए हैं सभी की मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी क्लियर है बट स्टिल वी आर यूजिंग मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर अब मैंने आपको बताया मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में क्या होता है एक इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर होता है दूसरा होता है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर

एक इंड्यूस्ड फैन हमने लगा दिया और हॉट वाटर को यहाँ से हमने सप्लाई किया थ्रू नोजल्स सो इट इज़ ए काउंटर फ्लो एंड कंडेंसेट गेट और कोल्ड कोल्ड वाटर गेट कलेक्टेड एट द बॉटम और यहाँ पर हमने कुछ एलिमिनेटर्स लगा दिए सो दैट जो वाटर है ये एयर के साथ साथ ज़्यादा ना जा सके सो so वाटर का लॉस कम से कम हो सो so दैट हमें मेकअप वाटर कम से कम यूज़ करना पड़े अब मैकेनिकल ड्राफ्ट टावर विद ए फैन एट द टॉप विच पुल्स अप एयर थ्रू द टावर द फैन इंड्यूसड हॉट मॉइस्ट एयर आउट ऑफ द डिस्चार्ज ठीक है दिस प्रोड्यूस लो एंट्रिंग एंड हाई एग्जिट एयर वेलोसिटी, रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसर्कुलेशन इन विच डिस्चार्ज एयर फ्लो बैक इन टू द एयर इंटेक राइट होता क्या समटाइम ये हो सकता है कि ये जो एयर है ये यहाँ से इस तरीके से आ जाए ये यार इस तरीके से आ जाए तो इट मे बी पॉसिबल राइट दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज सुटेबल और ऑल्सो नोन एज ड्रॉ थ्रू कूलिंग टावर इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर अब देखिए इंडियोस ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट में केवल एक ही डिफरेंस है पोजिशन ऑफ द फैन इंडियोस ड्राफ्ट में हमने क्या किया था फैन को यूज़ किया था एट द टॉप राइट एंड फोर्स ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं फोर्स ड्राफ्ट में हम फैन को यूज करते हैं एट द बॉटम और साइड वॉल सो so, यहाँ पर हम फैन को और ब्लोअर को यूज़ करते हैं हॉट एयर ऊपर चली जाती है अब देखिए आप कह सकते हैं कि सर ये एयर भी तो रिसर्कुलेट कर सकती है यस बट चांसेस आर वेरी लेस राइट सो हॉट वाटर इज सप्लाइड हियर विद द हेल्प ऑफ नोज़ल यहाँ पर नोजल्स होते हैं सो so, नोज़ल की हेल्प से ये वाटर यहाँ पर सप्लाई किया जाता है एंड वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एयर क्लियर एंड अगेन देर ए विल बी हीट एक्सचेंज एयर विल कैरी द हीट एंड कोल्ड वाटर विल सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी वी आर यूजिंग सम एलिमिनेटर्स सो दैट वाटर कैन नॉट मोर वाटर कैन नॉट लीव द सिस्टम इन फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर द सर्कुलेशन इज एयर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फैन प्लेस्ड एट द बेस ऑफ द टावर नाउ कंपेरिजन ऑफ नेचुरल ड्राफ्ट एंड फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर अब देखिए कंपेरिजन करते हैं वी आर कंपेरिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स लेट्स ए फर्स्ट फैक्ट्री साइज एंड शेप नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर की बात करते हैं इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली वन ट्वेंटी फाइव मीटर तक हो सकती है इसका डायमीटर हंड्रेड मीटर तक हो सकता है एंड हाइपरबोलिक शेप इसकी होती है फोर्स ड्राफ्ट की बात करते हैं सो इट इज ऑलमोस्ट फिफ्टीन मीटर हाई राइट एंड थाउजेंड मीटर ऑफ इन लेंथ इट हैज़ लॉन्ग रेक्टेंगल बॉक्स इन शेप राइट इनिशियल कॉस्ट इट्स की वेरी हाई हाफ ऑफ द नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर मेंटेनेंस ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस वाइले ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई वाटर लॉस आर वेरी लेस वाटर लॉसेज आर मोर क्योंकि एयर की वेलोसिटी फोर्स ड्राफ्ट में ज़्यादा होती है एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वाटर का लॉसिस ज़्यादा होगा इसकी लाइफ ज़्यादा होती है इसकी लाइफ काफ़ी कम होती है क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है मैंने आपको बताया कि एक दोनों को मिलाकर के भी यूज़ करते हैं देखिए फोर्स और नेचुरल ड्राफ्ट को मिलाकर के जो अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको एक थर्ड नाम दे देंगे उसको नाम दे देंगे हम बैलेंस ड्राफ्ट हियर आई हैव नॉट मैंशन हीयर बट यू कैन राइट बैलेंसड ड्राफ्ट कूलिंग टावर अगर बैलेंस ड्राफ्ट कूलिंग टावर है बैलेंस ड्राफ्ट तो बैलेंस ड्राफ्ट क्या होगा एक फैन यहाँ पर होगा और एक फैन यहाँ पर होगा सो मींस फोर्स भी होगा इंड्यूस्ड भी होगा अगर दोनों है तो इट इज़ नॉन एज बैलेंस ड्राफ्ट कूलिंग टावर इसमें दोनों के एडवांटेज मिलते हैं बैलेंस ड्राफ्ट का भी फोर्स ड्राफ्ट का भी फ्रेंड्स इसके बाद बारी आती है हमारी कूलिंग पॉन्ड की अब देखिए समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंस्टॉल कूलिंग टावर्स ड्यू टू एनी रीज़न कॉस्ट में भी वन ऑफ द रीज़न राइट सॉयल कैपेसिटी और बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉयल में भी वन ऑफ द रीज़न सो इन दैट केस हम क्या करते हैं अगर कूलिंग टावर बनाना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीजन से तो फ्रेंड्स हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ दैट इज कूलिंग पॉन्ड दो एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग पॉन्ड इज लेस देन कूलिंग टावर बट देवर वी हैव नो ऑप्शन वी गो टू कूलिंग पॉन्ड ऑनली कूलिंग पॉन्ड क्या है कूलिंग पॉन्ड इज ए पॉन्ड यू कैन सी इट इज मैन मेड बॉडी ऑफ वाटर प्राइमरी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग कूलिंग वाटर टू ए नियर बाई पावर प्लांट ठीक है अच्छा कई बार क्या होता है कि इसको कूलिंग टावर के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं मेकअप वाटर सप्लाई करने के लिए बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस कूलिंग पॉन्ड को कूलिंग टावर की जगह यूज़ किया जाता है राइट कूलिंग पॉन्ड्स आर यूज वेयर सफिशेंट लैंड इज़ अवेलेबल एज अल्टरनेटिव टू कूलिंग टावर राइट कूलिंग पॉन्ड को कूलिंग टावर का अल्टरनेट यूज़ करते हैं बट सफिशेंट लैंड डिस्प्ले में रिक्वायर होता है क्योंकि हमें एक पॉन्ड बनाना है राइट कूलिंग टावर्स में क्या था फ्लोर इैके साथ साथ आप हाइट पर भी जा रहे हैं बट इन द कूलिंग पॉन्ड आपको सरफेस एरिया चाहिए कूलिंग पॉन्ड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कूलिंग द कंडेंसर वाटर दिस मेथड इज लेस एफिशिएंट देन द कूलिंग टावर अब कूलिंग पॉन्ड की बात करें देर आर थ्री टाइप ऑफ कूलिंग पॉन्ड। फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड डायरेक्टेड फ्लो अदर इज सिंगल एंड डबल डैक थर्ड वन इज स्प्रे पॉन्ड विद लोअर फैन सो ऑल द कूलिंग पॉइंट कैन बी कैटेगराइज इन टू थ्री टाइप्स नेचुरल एंड डायरेक्टेड फ्लो सिंगल डेक एंड डबल डेक एंड स्प्रे पॉन्ड विद लोअर फैन सो वी विल डिस्कस ऑल दिस थ्री सो फर्स्ट वन है नेचुरल फ्लो कूलिंग पॉन्ड एक ये पॉन्ड बना दिया अच्छा आप ये जो पॉन्ड देख रहे हैं ना ये पॉन्ड जर्न समटाइम इस पॉन्ड को मेटल का भी बना सकते हैं इट इज इसमें ओपन होता है इसकी सरफेस जितनी ज़्यादा होगी ध्यान रखिएगा यहाँ पर हीट एक्सचेंज कैसे होता है कूलिंग वाटर की हीट कैसे रिमूव होती है इट इज़ एट द सो so, अगर आप इसको अर्थ पर बनाते हैं लैंड पर बनाते हैं गड्ढा खोद के बनाते हैं पौंड की शेप में बनाते हैं सो so, हो सकता है कि इसमें एयर सिर्फ सरफेस पर कॉन्टैक्ट में आए सो so, और अगर आप इसको एक मेटल की फॉर्म में बना देते हैं बड़ा सा मेटल का बॉक्स बना देते हैं जिसकी सर्फेस ऊपर से ओपन है टॉप ओपन है सो so, टॉप से तो एयर एक्सचेंज होगी होगी साइड में वॉल से हीट भी रिमूव होगी एटमॉस्फेयर में राइट कंडक्शन के थ्रू सो so आप देख सकते हैं ये एक कोलिंग पौंड है हॉट वाटर को यहाँ से हमने सप्लाई किया राइट right? और कोल्ड वाटर को यहाँ से हम ले रहे हैं अब कोल्ड वाटर को नीचे से क्यों ले रहे हैं हम कोल्ड वाटर नीचे से लेने का हमारा एक रीज़न है कि ड्यू टू ग्रेविटी जो वाटर ठंडा होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा वो नीचे सेटल होगा हॉट वाटर ऊपर होगा सो डेंसिटी डिफरेंस रहेगा हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में कोल्ड वाटर ऑलवेज अवेलेबल एट द बॉटम एंड हॉट वाटर विल अवेलेबल एट द टॉप सो हॉट वाटर के एयर में यहाँ पर एयर कॉन्टैक्ट में आएगी पर कोई डायरेक्शन नहीं है वाटर कैसे भी फ्लो कर सकता है हॉट वाटर राइट ये हॉट वाटर इस तरीके से भी जा सकता है ऐसे भी जा सकता है कैसे भी जा सकता है यहाँ पर सो दिस सिस्टम इज रेयरली यूज नाउ इट इज आज की डेट में इस सिस्टम को यूज नहीं करते हैं डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग टावर अगर आप देखें ये डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग टावर है टॉप व्यू आप इसका देख रहे हैं डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग टावर का डायरेक्टेड फ्लो कूलिंग टावर है अब देखिए हॉट वाटर को हम सेंटर से सप्लाई करते हैं सेंटर से गया हमने चैनल्स लगाए हुए हैं आप देखिए ये चैनल हमने लगाए हुए हैं आप बेफल्स कह सकते हैं चैनल्स कह सकते हैं मींस फ्लो को हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि पूरे टैंक में पूरे पौंड में एक साथ ना जाए यहाँ से जाएगा फिर इस आधा आधा इधर मूव करेगा इट विल डिवाइड इन टू टू पार्ट एंड इट विल मूव इन दिस इट विल मूव इन दिस और यहाँ से हम कोल्ड वाटर या कोल्ड वाटर ले सकते हैं कंडेंसर में सप्लाई करने के लिए राइट सो इन द डायरेक्टेड फ्लो सिस्टम द हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर एंटर्स द मिडल चैनल एंड ऑन रीचिंग द फार एन डिवाइड इंटू टू ध्यान रखिएगा डिवाइड इंटू टू करंट्स बीइंग डायरेक्टेड बाय बैफल्स मैंने बताया ना बैफल्स और चैनल्स ये लगाए हुए हैं हमने राइट ये किस लिए कि सुवर्स द पॉन्ड सेवरल टाइम्स बिफोर यूनाइटिंग एट द इनटेक पॉइंट तो जब तक यहाँ से जाएगा ये कई बार ट्रेवल कर ले कई बार ट्रैवल करने से क्या होगा हीट रिमूव ज़्यादा होगी एयर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आएगा और अगर ये मेटेलिक टैंक है तो सरफेस से भी हीट बहुत ज़्यादा रिमूव होगी द वाटर गेट्स मोर टाइम एंड पासिस ओवर ए मोर सरफेस सो द कूलिंग अचीव इज वेरी इफेक्टिव ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकेंड हमारी कैटेगरी थी सिंगल डेक एंड मल्टीपल डेक अब देखिए सिंगल डेक स्प्रे पॉन्ड ये सिंगल डेक स्प्रे पौंड है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉन्ड अवेलेबल है एक पॉन्ड हमने बनाया हुआ है इस पॉन्ड में वाटर को हॉट वाटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर रहे हैं हमने एक पाइपलाइन इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस रखा है एलिवेशन का एक पाइपलाइन ऊपर हमने ले की है इस पाइपलाइन में हमने नोजल्स लगा दिए अपसाइड में ध्यान रखिए नोजल डाउनवर्ड नहीं है नोजल आर अपसाइड राइट सो दैट मोर एयर कैन कम इन कॉन्टैक्ट सो अपसाइड एयर हमने यहाँ नोजल यहाँ पर लगा दिए हैं नोजल से ये हॉट वाटर इन द फॉर्म ऑफ जेट और इन द फॉर्म ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स बाहर आता है एंड इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद एयर सो एयर विल टेक द हीट एंड ये जो वाटर है इट विल सेटल डाउन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट की फॉर्म में ये जो वाटर है ये यहाँ पर सेटल डाउन हो जाता है और यहाँ से इस कोल्ड वाटर को हम यूज करते हैं कंडेंसर में सो इन ए सिंगल डेक अरेंजमेंट यू कैन सी ऑल द जेट्स आर अरेंज ऑन द सेम एलिवेशन इट्स इफेक्टिव कूलिंग इफेक्ट इज लेस देन डबल डेक सिस्टम अभी मैं आपको डबल डेक सिस्टम भी बताऊंगा इन दिस सिस्टम वार्म वाटर इज रिसीव्ड फ्रॉम द कंडेंसर इज स्प्रेड थ्रू द नोजल्स ओवर ए पॉन्ड ऑफ लार्ज एरिया एंड कूलिंग इफेक्ट इज लॉस्ड बाय इवेपोरेशन एंड विंडेज ध्यान रखिए कोई भी कूलिंग पौंड आप यूज कर रहे हैं सरफेस एरिया हमें ज्यादा चाहिए दिस इज अ डबल डेक सिस्टम अब देखिए अभी तक क्या था अभी तक हमने क्या किया था एक एक पॉन्ड हमने बनाया था इससे प्रीवियस सिस्टम में सिंगल डेक सिस्टम एक पॉन्ड हमने बनाया था इस पॉन्ड के बाद हमने क्या करा आप देखेंगे पहले सिस्टम में केवल सेम एलिवेशन के जेट हमने यूज किए थे हियर वी आर यूजिंग द जेट्स ऑन टू डिफरेंट एलिवेशंस आप देख सकते हैं वन सेट इज दिस वन सेट इज दिस अदर सेट इज दिस सो टू एलिवेशन पर हमने यूज़ किए नाउ हॉट वाटर इज सप्लाइड थ्रू ए पाइप अगेन देर आर नोजल्स सो नोजल का फंक्शन है कि नोजल इस वाटर को टिनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है सो टिनी ड्रॉपलेट्स वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स आर हेयर वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स आर हीयर एंड एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस फाइन ड्रॉपलेट्स एयर एक्सट्रक्ट इट्स हीट ठीक है सो सम वाटर गेट लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन बिकॉज इट गेट मिक्स विद द एयर और जो वाटर बच गया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इट विल सेटल डाउन इन द टैंक और इस टैंक से हम क्या करते हैं इसको वाटर को कंडेंसर में सप्लाई कर सकते हैं फॉर कंडेंसेशन पर्पज राइट यू इट्स कूलिंग इफेक्ट इज मोर देन सिंगल डेक सिस्टम सिस्टम हैज़ वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एयर एट लोअर टेम्परेचर क्लियर है इसके बाद हम बात करते हैं स्प्रे पॉन्ड विद लॉर फैंस अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सिंगल जेट या डबल जेट या सिंगल डेक और मल्टीपल मुल्... मुल्... डेक सिस्टम यूज करते हैं सो सम पोर्शन ऑफ वाटर गेट लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन राइट सो टू मिनिमाइज दैट लॉस वी आर यूजिंग सम फैंस सम वेफल सम लॉर फैंस सो दिस इज़ द सेम सिस्टम इस सिस्टम में हमने केवल क्या किया हमने केवल वाटर का जो लॉस है वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश की है राइट सो यू कैन से अगेन देर जे पॉन्ड राइट एक पाइप सेम पाइप हमने सप्लाई किया है आप देख सकते हैं ठीक है इस पाइप में नोजल है ना नोजल का फंक्शन सेम है इट स्प्रे वाटर इन द वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स सो नाउ वाटर एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर एंड सम वाटर गेट इवेपोरेटेड सो अब क्या किया हमने यहाँ पर ये लोअर फैंस लगा दिए लोअर फैंस लगाने से तो क्या होगा एयर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ठीक है एयर इससे क्या होगा एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होने से मोर हीट कैन बी रिमूव्ड एयर की वेलोसिटी ज़्यादा क्यों होगी बिकॉज ये जो ये जो आप देख रहे हैं ना ये लोअर फैंस दे विल एक्ट एज ए नोजल राइट इसके साथ साथ ऊपर भी हमने आप देख सकते हैं कुछ प्रोवाइड किया हुआ है सो so ऊपर प्रोवाइड करने का हमारा रीज़न केवल यही है कि जो वाटर का जो लॉस होगा वेपरेशन से ये थोड़ा सा कम हो जाए So in in case of open pond or draft ड्राफ्ट will be more if wind velocities are high this can be avoided by providing lower फैंस so यहाँ पर क्या है कि uniform speed आपको मिल रही है अनकन्ट्रोलेबल स्पीड अब आपको अवेलेबल नहीं है ठीक है और उसके साथ साथ क्या करते हैं हम यहाँ पर हम एलिमिनेटर्स आप कह सकते हैं बेफल्स कह सकते हैं सो so एलिमिनेटर्स और बेफल्स हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं सो so दैट ये जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है और वाटर का जो लॉस हो रहा है सो so ये लॉस कुछ कम हो जाए सो दैट यह जो मेकअप वाटर है मेकअप वाटर हमें कम से कम ऐड करना पड़े राइट सो फ्रेंड्स इसके बाद जस्ट वी आर डिस्कसिंग एडवांटेज एंड डिसएडवाटेज ऑफ कूलिंग पौंड सो अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ कूलिंग पौंड की इनिशियल कॉस्ट इज वेरी लेस राइट ऑल्सो वेरी सिंपल इन डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट ऑल्सो रनिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नील रनिंग कॉस्ट इज वेरी लेस मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लेस सो इज अल टाइप ऑफ कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट रनिंग कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट सभी कम है राइट बट स्टिल इसको हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि बिकॉज डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं जिसे सबसे पहला डिसएडवांटेज है इट रिक्वायर लार्ज सरफेस एरिया फॉर कूलिंग मैंने बताया ना कूलिंग के लिए सरफेस एरिया चाहिए सो दैट मोर ईयर कैन कम इन कॉन्टैक्ट विथ द वॉटर मोर अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ वाटर ड्यूटी वेपोरेशन एंड विंडेज सो यू नीड मोर मेकअप वाटर कूलिंग एफिशियंसी इज़ वेरी लेस राइट एंड देर इज नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर ऑफ द कल्ड वाटर सो कल्ड वाटर का जो टेम्परेचर उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है सो ड्यू टू दीज डिसवान वी आर नॉट प्रेफरिंग दिस कूलिंग पॉन्ड वी आर प्रेफरिंग कूलिंग टावर्स स्पेशली नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर इफ स्पेस इज अवेलेबल एंड कॉस्ट इज अवेलेबल अदरवाइज वी आर गोइंग टू द मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर सो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच